ट्रिपल मर्डर से दहला सागर, मान दो बेटियों के शव मिले, दीवार में सिर मारने, गले पर धारदार हथियार के निशान। सागर में मंगलवार देर रात एक मकान में माँ और दो बेटियों के शव मिले हैं। वारदात का पता तब चला जब पति घर पहुँचा। उसने पुलिस को सूचना दी, जहाँ घटना हुई वहाँ सामने 200 मीटर दूर पुलिस कंट्रोल रूम है। नेपाल पैलेस के रहने वाले विशेष पटेल जिला अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। रात 10:50 पर उन्होंने ससुराल वालों को फोन पर बताया कि पत्नी वंदना, बड़ी बेटी अवंती और छोटी बेटी अन्विका की किसी ने हत्या कर दी है। विशेष पटेल ने पुलिस को बताया कि रात को घर पहुंचा तो दरवाजे खुले थे, अंदर चारों तरफ खून फैला हुआ था। पत्नी और बड़ी बेटी की लाश किचन में पड़ी थी, छोटी बेटी का शव बेडरूम में पड़ा था। तीनों के सिर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमलावर ने सिर दीवार में मारे हैं, धारदार हथियार और पिंचकर से वार किए हैं। तीन मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर परिवार और बाकी ऊपर की दो मंजिल पर किराएदार रहते हैं। रात 1 बजे मौके पर पहुंचे आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी सुनील कुमार, प्रभारी एसपी डॉक्टर संजीव उइके ने जांच की। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आईजी का कहना है कि कैसे और किसने हत्या की यह अभी बताना संभव नहीं। विलाइन थाना क्षेत्र में नेपाल पैलेस कॉलोनी है, वहाँ पे सूचना मिली थी कि एक घर में जो है महिला सहित दो बच्चियों की जो है मृत अवस्था में लाश मिली हुई है। तो जैसी सूचना मिली तत्काल में जो है, क्योंकि तीन लोगों की एक साथ मृत होने की सूचना थी, तत्काल में जो है पुलिस टीम मौके पर पहुंची, सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया देखने में समझ में आया कि उनको जो है धारदार और नुकीले हथियारों से जो है उनसे उनको मारा गया है, जिसमें मृतिका जो है 35 साल की है वंदना पटेल, उसकी बड़ी बेटी जो है वो करीब 8 साल की है और छोटी बेटी लगभग 3 साल की है। तो इन तीन लोगों की हत्या हुई थी। FSL की टीम भी मौके पर आई। जब परिस्थिति जन्य साक्ष्य ऐसे समझ में आ रहे थे कि जो है उनकी हत्या की गई, देहाती नर्जी पे मर्ग कायम किया गया, 3 मर्ग कायम हुए और हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है। और हमारी टीमें लगातार जो है प्रयास कर रही हैं, जो भी संभावित आरोपी हैं उनको बुला करके पूछताछ हो रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है हम इस मामले में आरोपी तक पहुँच जाएंगे। सर, कितने बजे की घटना है? घटना जो है, जो हमें सूचना मिली है वो लगभग 10:30 के आसपास सूचना मिली है, लेकिन घटना संभवतः जो है ये 5-6 बजे के आसपास की समझ में आ रही है। ठीक, जानकारी आपको कहाँ से? यहाँ जी रात 10:52 पर डीआईजी का कॉल आया खुशी का कि वंदना और दोनों बच्चियों का कोई गला काट के चला गया है, दोनों डले हैं। हम अभी ऑफिस से आए हैं तो गेट खुला मिला और तीनों जन मरे मृत पाए गए। आप कौन हैं? हम वंदना के भाई। तो क्या लगता है आपको, किन परिस्थितियों में किसने हत्या की होगी? अभी हाल तो परिवारजन पर शक है। किस पे? बहन के ससुराल पे, ससुराल पक्ष पे। हाँ। कौन हो सकता है, कोई नाम वगैरह कोई जानकारी दे सकते हैं? दोनों भाई में से कोई भी हो सकता है, ऐसा शक है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है, क्यों हुआ? क्या उनके परिवार में थोड़ी रंजिश चलती थी, परिवार थोड़ी बहुत, उसी का कारण। ये क्या करते थे जो आपके बहन? ये यहीं पे स्वास्थ्य विभाग में थे, कंप्यूटर वगैरह का काम करते थे। बेटियों की उम्र कितनी थी? बड़ी वाली की 7 वर्ष और छोटी वाली की 3 वर्ष। भाई साहब, आप लोगों की बात होती होगी, कभी आपको ऐसा कुछ बताया कि घर में कोई पारिवारिक नहीं? हाँ, वो बताती थी वंदना, बताती थी मतलब कि आज ये हुआ या खाना पे वो लड़ाई भाई या फिर छोटा भाई जुआ हुआ खेलता था, उसका कर्जा रहता था तो कई बार वो आते थे कर्जदार पैसे मांगने के लिए, उस पैसे लड़ाई वगैरह होती थी, कई बार कर्ज चुकाया उसका। प्रदेश और शहर की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल बुंदेली हलचल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।